ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? स्पेशल परमिशंस पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे एसीएल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एसीएल। एसीएल का क्या मतलब होता है? एक्सेस कंट्रोल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब वैसे तो आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है। एक लिस्ट है जो किस काम में आती है, एक्सेस को कंट्रोल करने का काम है। अब किसका एक्सेस कंट्रोल करते हैं? यूजर्स का। कहाँ पे? फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज से। तो हुआ क्या, अभी तक हमने जो परमिशंस लगाई हैं, ठीक है, तो वो हमने कहाँ लगाई हैं? आइदर ऑनर पे लगाई हैं, या फिर ग्रुप पे लगाई हैं, या फिर अदर पे लगाई हैं। इसके अलावा कहीं नहीं लगाई। तो जब ऑनर पे लगा रहे हैं तो वो परमिशन सिर्फ ऑनर पे लग रही है। अगर ग्रुप पे लगा रहे हैं तो ग्रुप के सारे मेंबर्स पे लग रही है, और अदर पे लगा रहे हैं तो बचे हुए सारे जो यूजर्स हैं उन सब पे लग रही है। यही हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इंडिविजुअली किसी यूजर के लिए कोई परमिशन लगानी हो तो उसका कोई तरीका अभी तक हमारे पास नहीं था। ठीक है भाई, अगर आप स्पेशल परमिशन में भी जाते हो तो SUID जो लगती है वो सारे यूजर काम में ले सकते हैं। अगर किसी फाइल पे, या सॉरी, किसी फाइल पे अगर SUID परमिशन लगी है, कोई भी स्टैंडर्ड यूजर उसे रन कर सकता है। ठीक है, तो यानी पर्टिकुलरली हमारे पास एक यूजर के लिए परमिशन लगाने का कोई भी अभी तक मैकेनिज्म नहीं था। यानी है एक्चुअल में, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है, तो उसको हम अब पढ़ें। वो तरीका क्या है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACL। ठीक है, ACL की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर यूजर का एक्सेस डिफाइन करेंगे कि किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पे कोई पर्टिकुलर यूजर है, उसको क्या परमिशंस होंगी। ठीक है, तो देखो अगर ACL को बोले तो सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि ACL इज अ लिस्ट ऑफ परमिशन। क्या है? लिस्ट ऑफ परमिशन। यानी यहां पे ऐसा नहीं होता कि एक परमिशन लग रही है, एक लिस्ट की तरह होती है, आप उसमें कई एंट्रीज कर सकते हो। ठीक है, यानी सिंगल फाइल पे आप मल्टीपल यूजर्स के लिए ACL बना सकते हो, मल्टीपल यूजर्स एंड मल्टीपल ग्रुप्स के लिए। क्लियर हुआ? लिस्ट ऑफ परमिशन दैट डिफाइन एक्सेस ऑफ यूजर्स ऑन ए फाइल और डायरेक्टरी। क्लियर? अब यहाँ पे ACL को जो मैनेज करते हैं हम, उसके लिए हम दो कमांड्स का यूज करते हैं। सिंपल सी दो कमांड्स है, नंबर फर्स्ट गेट एफ ACL, और सेकंड जो है वो है सेट एफ ACL। तो नाम से ही पता लग रहा है कि एक जो फर्स्ट कमांड है हमारी गेट एफ ACL, वो परमिशन को चेक करने काम में आई, हमें ये देखने के काम में आई कि ACL क्या क्या ACL लगी हुई है। देन हमारी जो दूसरी परमिशन है, सॉरी दूसरी जो कमांड है सेट एफ ACL, वो हमारी ACL को सेट करने के काम में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, चेक ACL परमिशन ऑन है फाइल ऑफ डायरेक्टरी। ठीक है, किसी फाइल या डायरेक्टरी पे ACL परमिशन को चेक करने के ये काम में आएगी। दूसरी सेट ACL परमिशन ऑन अ फाइल और डायरेक्टरी। यहां तक कोई भी डाउट नहीं? अब सबसे पहले हम परमिशंस को देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम जैसे यहाँ पे चेक करें, और यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, टेस्ट फाइल को चेक करते हैं, तो अगर सिंपली मैं ls-l और टेस्ट लिखता हूँ, यहाँ पे परमिशन दिख रही है। हमें पता है कि ये जो फर्स्ट फील्ड है ये हमें टाइप बताता है। ठीक है, ये जो डैश आ रहा है ये हमें टाइप बताता है। देन हमारे पास ये ऑनर की परमिशंस हैं, ये ग्रुप की परमिशन है, ये अदर की परमिशन है, और उसके बाद क्या आ रहा है, डॉट। ठीक है, या कहें फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये फुल स्टॉप यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अलावा और कोई परमिशन यहाँ पे नहीं लगी। ठीक है, कि ये जो परमिशंस यहाँ पे शो हो रही है इसके अलावा कोई भी और परमिशन यहाँ पे नहीं लगी हुई। तो जब हम कुछ एक्स्ट्रा परमिशन लगाएंगे तो ये जो डॉट है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, यानी ACL लगाने के बाद जब अगर
हम ये चीज अगर ये कमांड रन करके देखेंगे कि क्या क्या परमिशंस लगी हुई है, तो यहाँ पे परमिशन आ रही होंगी, लेकिन इस डॉट की जगह पे प्लस आएगा जो ये इंडिकेट करेगा कि ये जो परमिशंस यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है इसके अलावा और भी परमिशंस हैं। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं इस फाइल पे सबसे पहले परमिशंस को। तो सिंपली लिखता हूँ मैं गेटअप ACL, एंटर किया, सॉरी फाइल का नाम नहीं लिखा, गेटअप ACL है टेस्ट। तो देखो ये हमें शो कर रहा है कि फाइल कौन सी है, टेस्ट है, ऑनर कौन है, ग्रुप कौन है, यूजर पे यानी ऑनर पे क्या परमिशन है, ग्रुप पे क्या परमिशन है और अदर पे क्या परमिशन है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक चीज और आ रही है, एक फील्ड आ रहा है जो ब्लैंक आ रहा है। ये ब्लैंक फील्ड क्या है, जब हम किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए या ग्रुप के लिए परमिशन लगाएंगे तो उसका नाम आएगा यार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास पीयूष यूजर है, तो अगर पीयूष के ऊपर मैं कोई परमिशन लगा रहा हूँ इस फाइल पे, मैं उसका एक्सेस डिसाइड कर रहा हूँ कि वो इसको एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यूजर का नाम आएगा पीयूष, जैसे ऐसे लिखा आएगा यूजर देन पीयूष एंड देन यहाँ पे रीड और राइट जो भी हम एक्सेस परमिशन देंगे यहाँ पे वो आएगा। क्लियर हुआ? ओके, जैसे मान के चलो अभी बात करते हैं कि अभी अदर यूजर के पास क्या परमिशन है, रीड परमिशन है, यानी हमारे जो सारे यूजर्स हैं इस फाइल का डेटा रीड कर सकते हैं। तो चलो पहले तो हम रीड करके देखते हैं इस फाइल में है क्या कुछ डेटा है। ठीक है, कुछ भी है लेकिन डेटा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पीयूष यूजर के लिए परमिशन को डिफाइन कर देते हैं कि पीयूष यूजर इस फाइल को रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो सिंपली है डेटा एक्सेल मॉडिफाई कर रहे हैं तो हाइफन एम। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए हाइफन एम। आप यूजर पे लगा रहे हैं या ग्रुप पे लगा रहे हैं, यूजर है पीयूष, पीयूष यूजर है तो यू लिखा, देन यहाँ पे लगाएंगे कॉलर, देन आएगा यूजर का नेम। ठीक है, सॉरी पीयूष क्या परमिशन देना चाह रहे हैं, मान के चलो कुछ भी नहीं देना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि वो रीड भी नहीं कर पाए, तो सिंपल क्या लिख सकते हैं हाइफन और देन फाइल का नेम। क्लियर, एंटर कर दें, हो गया। अब अगर मैं आपको फिर से ls-l करके दिखाऊं, ls-l टेस्ट, तो क्या ये कन्वर्ट हुआ प्लस में, हो गया। ओके, अब चेक करते हैं डेटा फेसियल से, यानी यहाँ से हम एक चीज तो वेरीफाई हो गई कि यहाँ पे क्या लगी है, ACL परमिशन लग गई। ठीक है, अब ACL को चेक करने के लिए गेट अप ACL एंड देन टेस्ट, तो डिफाइन हो गया यहाँ पे कि जो हमारा यूजर पीयूष है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बाकी यूजर्स जो होंगे वो क्या कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं मास्क। मास्क आपकी परमिशंस को डिफाइन करता है, जैसे मैक्सिमम क्या होता है 777, अगर आपने वहां देखा होगा जब मैंने आपको जो लॉग इन डिफॉल्ट वाली फाइल दिखाई थी, मैं दिखा देता हूँ एक तरह, ये क्या परमिशंस को डिफाइन करता है, /etc/login.def। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर मास्क आएगा, जिसको यू मास्क बोलते हैं, यूजर मास्क। देख रहे 022, ये डायरेक्टरी के लिए जो हम 755 लिखते हैं। तो टोटल परमिशन कितनी होती है, 777 होती है, देखो इसको समझो, समझ गए होंगे कि 22 माइनस करेंगे तो वो 755 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से तो ये मास्क डिसाइड करता है कि परमिशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है परमिशन, क्लियर, यूज के पास कोई परमिशन नहीं है। ओके, तो अब हम यहाँ से एक बार यूजर्स पर लॉगिन करके देखते हैं, तो अगर मैं ls-home करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास काफी सारे यूजर्स हैं, तो सबसे पहले तो मैं लॉगिन करता हूँ किससे, राजकुमार से। ठीक है,
और अगर हम राजकुमार से देखें, ओके वो फाइल कहाँ पे है, और इसमें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फाइल कहाँ पे है, स्लैश रूट में, कि प्रोफाइल में स्टैंडर्ड यूजर काम नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली क्या करता हूँ, इस फाइल को मूव कर देता हूँ एमवी टेस्ट, और कहाँ पे मूव कर रहे हैं, स्लैश एलएस करेंगे, यहाँ पे टेस्ट फाइल नहीं है, और एलएस स्लैश करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट फाइल है। अगर यहाँ पे चेक करते हैं ls-l स्लैश टेस्ट, सेम एचटीएल परमिशन यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो आता हूँ सर, आता हूँ सर, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारी टेस्ट वाली फाइल है, अगर इसकी परमिशन आप देखेंगे तो देखो ls-l टेस्ट, ओके इसके पास परमिशन नहीं है चेक करने के लिए, क्लियर। तो राजकुमार के पास परमिशन नहीं है, ओके स्लैश टेस्ट आएगा, सॉरी क्योंकि ये फाइल कहाँ पे है, स्लैश में है। तो देखो ls-l स्लैश टेस्ट, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, शो कर रहा है ACL परमिशन को, ठीक है। अब अगर मैं रीड करना चाहूँ तो देखो कैट एंड देन स्लैश टेस्ट, तो रीड कर पा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन अगर इसकी जगह यूजर मेरे पास है राजकुमार, राजकुमार ने पीयूष पे लगाई थी, ठीक है, तो देखो su पीयूष, क्लियर। अगेन ls स्लैश करेंगे तो क्या है, यहाँ पे टेस्ट फाइल है, और अगर चेक करें ls-l स्लैश टेस्ट, तो ACL परमिशन शो कर रहा है। और अगर ये रीड करना चाहे कैट स्लैश टेस्ट, क्या ही रीड कर पा रहा है, नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमने पर्टिकुलरली ये परमिशन, या ये कहें ACL हमने लगा दी कि इस पर्टिकुलर यूजर के पास, पीयूष के पास एक्सेस नहीं है इसको रीड करने का, क्लियर हुआ, कोई डाउट, ओके समझ में आया कैसे लगानी। सेम वे में हम ग्रुप के लिए लगा सकते हैं, तरीका एकदम सिमिलर होगा, अगेन आपको हाइफन एम यूज करना है मॉडिफाई करने के लिए, जहां पे यूजर के लिए यू लिया था वहां पे ग्रुप के लिए जी लेना है, देन ग्रुप का नेम लेना है, ठीक है, वो भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम देखें ls स्लैश करें एक बार फिर से, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा नाम से एक डायरेक्टरी है, तो अगर इसकी परमिशन चेक करें ls-ld स्लैश डेटा, तो यहाँ पे परमिशन क्या आ रही है, ओके इस पे ऑलरेडी स्पेशल परमिशन लगी हुई है, तो एक बार इनको रिमूव कर लेते हैं, chmod स्पेशल परमिशन sud एंड sgid वाली, ठीक है, एंड देन स्लैश डेटा। अब अगर चेक करेंगे तो देखो रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट एंड अदर पे क्या परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट यानी फुल एक्सेस है, ओके। अब यहाँ पे ग्रुप के पास क्या परमिशन है, रीड ग्रुप ग्रुप रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल chmod और मैं फुल परमिशन दे देता हूँ, क्लियर, 777 स्लैश डेटा। अगर हम अभी यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो सबके पास फुल परमिशन है, यानी ग्रुप के पास भी क्या परमिशन है, फुल है। लेकिन अब कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिनको मुझे इस पे एक्सेस नहीं देना, जिनको मुझे इस डायरेक्टरी पे एक्सेस नहीं देना, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उन यूजर्स का एक ग्रुप बनाऊंगा और उस ग्रुप पे क्या कर दूंगा, ACL लगा दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, बाकी जितने भी यूजर्स होंगे ग्रुप होंगे सबको परमिशन रहेगी, यानी क्योंकि अदर यूजर फुल परमिशन है तो बाकी सारे यूजर्स को परमिशन है, ठीक है, और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उन पे फुल परमिशन है और ओनर पे भी फुल परमिशन है, ठीक है। लेकिन मैं जो पर्टिकुलरली ग्रुप बनाऊंगा उस पे ACL लगाऊंगा कि उनके पास कोई परमिशन
नहीं ये क्लियर हुआ? ओके चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ग्रुप चेक करते हैं, तो टेल हाइफन एन 5/etc/ ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेस्ट टेस्ट टू सरस इस नाम से काफी सारे ग्रुप्स हैं ऑलरेडी। चलो एक नया ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि वो भी प्रैक्टिस हो जाए अपनी। तो ग्रुप ऐड, और फॉर एग्जांपल किस नाम से क्रिएट करें बोलो, जयपुर, ठीक है। तो जयपुर नाम से हमने ग्रुप क्रिएट किया। अब इसके कुछ मेंबर्स बनाते हैं, तो मेंबर्स बनाने के लिए भूल गए G5WD हाइफन कैपिटल M और यूजर्स के नाम आ जाएंगे, जैसे पीयूष, सरस, संजय, बहुत है 3 यूजर्स, ठीक है। और कौन से ग्रुप में ऐड करने हैं, जयपुर में ऐड हो गए, चेक कर लेते हैं जयपुर ग्रुप के मेंबर है सभी, ठीक। अभी हमने डायरेक्टरी पे फुल परमिशन लगाई, अब सेम डायरेक्टरी पे हम ACL लगाने वाले हैं कि ये जो ग्रुप होगा हमारा जयपुर, इसके मेंबर्स को कोई भी परमिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ls-ld/data फुल परमिशन है, और यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ भैया, हमारे पास फुल स्टॉप आ रहा है तो मतलब इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा परमिशन नहीं है, या फिर कहीं ACL नहीं लगी हुई। अब आपको ACL लगानी है तो क्या करेंगे बताओ, सेटअप ACL हाइफन एम फॉर मॉडिफाई, ग्रुप के लिए जी, ग्रुप का नेम आ जाएगा जयपुर, देन कोई परमिशन नहीं देनी तो डैश, आप चाहो तो 3 बार डैश लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रीड राइट एग्जीक्यूट के तीनों के लिए डैश लगा सकते हो, मैं सिंपल एक डैश लगा रहा हूँ, मतलब तीनों ही नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे परमिशन लगानी है किस पे, स्लैश में डेटा। चलो चेक करते हैं क्या प्लस आ रहा है, ठीक है अभी चेक करते हैं। तो गेटअप ACL एंड देन स्लैश डेटा, तो चेक करो कि यहाँ पे इस बार जो हमारा ग्रुप है जयपुर नाम का, उस पर कहीं भी कोई भी परमिशन नहीं है, क्लियर, कोई डाउट, ठीक। तो अब अगर हम चेक करेंगे तो बाकी सब तो इसमें रीड राइट एग्जीक्यूट कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे यूजर्स हैं सरस, पीयूष, संजय, ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, देखो कौन सा यूजर है, राजकुमार यूजर है। तो अगर एक बार स्लैश में ही चलते हैं, cd/ls करके देखते हैं, यहाँ पे डेटा नाम की डायरेक्टरी है, ओके। तो अगर यहाँ पे चेक करते हैं ls-ld/data, सॉरी डेटा ऑलरेडी स्लैश में ही है, तो देखो शो कर रहा है। और अगर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहूँ तो जा पा रहा हूँ, चेक करना चाहूँ तो चेक कर पा रहा हूँ, और कुछ नया बनाना चाह रहा हूँ तो वो भी बना सकता हूँ। देखो बन रहा है, यानी यहाँ पे हमारे मेरे पास फुल परमिशंस हैं। ऐसे ही अगर दूसरे यूजर की बात करें जो कि हमारा पीयूष यूजर है, ठीक है, तो अगर पीयूष यूजर के पास, क्या हमारे पास परमिशन है पीयूष यूजर के पास, नहीं है, क्यों? हाँ क्योंकि हमने ACL लगाई हुई है, ठीक है। तो देखो अगेन चलते हैं cd/, चेक करते हैं डेटा नाम की डायरेक्टरी है, ओके ls/data, चेक कर पा रहे हैं? आप बोलोगे परमिशन तो थी नहीं, है कि नहीं, चलो एक बार वो भी देख लो cd/data, ये तो जा भी पा रहा है जबकि हमने तो ACL लगाई थी, तो काम नहीं कर रही ना। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं टच और file6, ये भी बन रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी ACL काम नहीं कर रही, बताओ क्या मतलब है इसका, ये होगा, ठीक है। देखो अब काम करेगी, एग्जिट SU पीयूष, LS करें, ये तो राजकुमार है, cd/ls करें, डेटा है ls data, क्या हो काम कर रही है, हाँ बंद होने के बाद नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि हमने उसको ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था, ठीक है। तो लॉगिन किया हुआ था तो वो परमिशन इफेक्ट में नहीं आई, लेकिन जैसे ही हमने उसको वापस लॉग आउट करके फिर से लॉगिन किया वो परमिशन इफेक्ट में आ गई,
ठीक है, तो अब ये चेक नहीं कर पाएगा कुछ, ना ही ये जा पाएगा। सीडी डेटा देखो, क्यों? क्योंकि अब इसके पास परमिशंस नहीं है। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि पहले ये ऑलरेडी लॉग्ड इन था पुरानी वाली परमिशंस के साथ, जब फुल परमिशंस थी, ठीक है, तो इसलिए वो काम ये कर पा रहा था, अब ये नहीं कर पाएगा। इसको आप एक तरीके से बग भी कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई यूजर लॉग आउट करके लॉग इन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उस पर परमिशन फैक्ट नहीं हो रही, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ओके, ईसीएल लगाना समझ में आया? चलो ईसीएल हटाना भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ईसीएल की कोई एक एंट्री हटानी है, जैसे मान के चलो ये जो हमारे पास यहाँ पे ईसीएल लगाई हुई है, यहाँ पे दो तीन ईसीएल और लगा देते हैं, सेटअप ईसीएल यूजर पीयूष, हाइफन एम नहीं लगाया, बता नहीं रहे हो आप लोग, अच्छा एक चीज बताओ मुझे कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं ये एसीएल लगा देता हूं तो क्या होगा? असाइन असाइन? मेरे कहने का मतलब नहीं समझे शायद आप। मैंने ग्रुप में पीयूष को ऐड किया, वहां पे परमिशन नहीं थी, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर दोबारा है। चलो चेक करते हैं क्या ये लगी होगी, यस और नो, चलो चेक कर। लगी है। अब आप जो कह रहे थे कि शायद ये ग्रुप से बाहर आ जाए, तो वो भी चेक कर लेते हैं। ग्रैप जयपुर स्लैश etc स्लैश ग्रुप, ग्रुप से तो बाहर नहीं है। चलो और भी वेरीफाई करवा देता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं वेरीफाई करने के। जयपुर ग्रुप का मेंबर तो है, चलो अब परमिशन भी चेक कर देते हैं। पीयूष यूजर है, एलएस डेटा, क्या हुआ कर पा रहे? सीडी डेटा जा पा रहे? टच फाइल 7 एसीएल डीएक्टिवेट हो गई। क्या डीएक्टिवेट हो गई? एसी इसे डीएक्टिवेट कैसे हो गई बताओ, हमने तो लगाई है ना, तो वो तो इसका मतलब एक्टिव हो रही है, हमने तो लगाई है, इसका मतलब इफेक्ट कर रही है ना वो तो। एलएस डेटा तो मतलब यूं कह सकते हो कि अगर आपने ऐसा कुछ किया, ठीक है, कि आपने एक जगह तो जैसे ग्रुप में तो आपने परमिशन हटा दी और जो यूजर है वहां पे परमिशन दे दी, तो हमने बाद में कौन सी एसीएल लगाई? बाद में कौन सी एसीएल लगाई? लगाई ना, अच्छा दो दो एसीएल लगी ना पीयूष के लिए, तो बाद में कौन सी लगी जो इफेक्टिव वही होगी, ठीक है। और दूसरा, वैसे इसका मुझे भी थोड़ा सा ताज्जुब है, क्यों? क्योंकि जब तक जहां मैंने जहां तक मुझे याद है जो मैंने पढ़ा था कि अगर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपने एक जगह परमिशन को अलाउ किया होता है और एक जगह डिनाई किया जाता है, तो लिनक्स में वो परमिशन हमेशा डिनाई ही काम करेगी, यानी डिनाई परमिशन जो होगी वो हमेशा सप्रेस कर देगी आपकी अलाउ परमिशन को, ये मैंने पढ़ा है, मुझे याद है ठीक से, ठीक है। इसको तो मैं मुझे या तो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा या फिर हम इसको एक दो बार और ट्राई करेंगे तब पता चलेगा। आपने फ्लैश देखा था, स्लैश डेटा से क्या मतलब है? डेटा बस हो सकते हैं, डेटा पे काम कर रही होगी शायद। ये क्या मतलब? आपने जब यूजर बनाया था मतलब परमिशन नहीं थी उसको, फिर आगे आपने स्लैश डेटा नहीं, दिया नहीं है। नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं, ये लो इसमें तो मैं स्लैश डेटा कर लेता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? कंटेंट तो वही है, जगह वही है भाई, आपका घर है उसको मैं जयपुर में आपका जो जो भी कॉलोनी होगा वो कह दूं, चाहे आपकी कॉलोनी का नाम दे दूं, बात तो एक ही है। मैं कह रहा हूँ अगर डेटा से कोई अलग कोई डायरेक्टरी में सिलेक्ट करें तो उसमें शायद नहीं होगी वो। मतलब जैसे आपको डेटा फोल्डर पे कर दो काम है ना, हाँ
अगर कोई और कुछ डायरेक्टली ले तो उसमें तो काम नहीं करेगा, उसमें तो फिर ग्रुप वाला वो डिनाई अरे वो सारे आएंगे। वही तो हम बात कर रहे हैं ना कि अगर किसी सेम डायरेक्टरी पे एक डिनाई परमिशन है और एक अलाउ परमिशन है, तो हमेशा डिनाई परमिशन सप्रेस करती है किसको, अलाउ परमिशंस को। ठीक है, जब भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा डिनाई परमिशंस ही काम करती है, लेकिन ये मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। सर ग्रुप से बाहर कुछ तो होना चाहिए ना, ग्रुप से भी बाहर नहीं हुआ हमने देखा। ठीक है, तो एक काम हम और करते हैं इसमें कि एक बार दोनों ACL हम हटा के देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, यूजर वाले लगाएंगे और उसके बाद ग्रुप वाले लगाएंगे, तो शायद हमारे पास ये वेरीफाई हो पाएगा कि अगर तब भी बाद वाली परमिशन काम कर रही है, तब तो हम ये समझ पाएंगे कि जो हम दूसरी ACL लगाते हैं वो प्रेफर करता है, या फिर अगर नहीं काम करेगी तो हम ये कह सकते हैं कि यूजर की परमिशन ज्यादा इफेक्टिव होती है ग्रुप के मुकाबले। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं ये भी। तो अब एक बार ACL हटाना भी सीख लेते हैं। तो देखो इस पे ऑलरेडी दो ACL हो चुकी है। ठीक है, गेटअप ACL स्लैश डेटा, तो यहाँ पे दो ACL होगी, एक यूजर के लिए और एक ग्रुप के लिए। देखो अगर हटाना है तो सेटअप ACL, अगर एक एंट्री हटानी है आपको ACL की तो आप यूज करेंगे हाइफन एक्स। ठीक है, कौन सी एंट्री हटानी है, जैसे मान के चलो यूजर के लिए एंट्री हटानी, कौन से यूजर के लिए, पीयूष के लिए, बस बहुत है। ठीक है, और कौन सी फाइल पे ऐसे हटानी है, टेस्ट डेटा सॉरी, देन स्लैश डेटा। ठीक है, यहाँ पे आपको परमिशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आप लिखेंगे तो हो जाएगा। देन गेटअप ACL और चेक करते हैं, स्लैश डेटा। ठीक है, इस तरीके से तो एक एंट्री हट जाती है। अगर आपको सारी सारी ACL हटानी है एक साथ, तो एक बार वापस वो ACL लगा लेते हैं, दो ACL है, तो अगर आपको सारी ACL एक साथ हटानी है तो आप हाइफन बी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बी फॉर बॉय। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सेटअप ACL हाइफन बी, ठीक है, एंड देन स्लैश डेटा, डायरेक्टली डायरेक्टरी का नाम, कुछ भी नहीं लिखना, एंटर किया। अब अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी ACL हट गई, और अगर चेक करेंगे ls-ld/data तो अगेन आपको यहाँ पे मिलेगा फुल स्टॉप। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब हम जो हमारा प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करके देखते हैं कि पहले ग्रुप वाले लगाते हैं, सॉरी पहले हम यूजर वाले लगाते हैं उसके बाद ग्रुप वाले लगाते हैं। ठीक है, ये तो यूजर के लिए, देन ग्रुप के लिए भी लगा देते हैं। जयपुर NC। ठीक है, अब चेक करते हैं, एक बार इसको लॉग आउट कर देते हैं और फिर से लॉग इन कर लेते हैं। ls करते हैं, डेटा है ls-ld डेटा, ACL शो कर रहा है। चलो चेक करते हैं ls डेटा, चेक कर। अब तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूजर की जो परमिशन है वो प्रेफर हो रही है ओवर द ग्रुप। ठीक है, बाकी होना नहीं चाहिए था, लिनक्स में जहां तक मुझे याद है ऐसा ही होता था कि अगर अलाउ और डिनाई परमिशंस होती है तो हमेशा डिनाई परमिशंस प्रेफर करता है। हो सकता है, या तो हमें इसको फिर दोबारा 8.5 या 8.5 में टेस्ट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं अपडेट हम नहीं कह सकते ना ये, क्योंकि हम ये चीज चेक करके जब तक चेक नहीं करेंगे हम तब तक कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि वो जो चीज थी कि हमें एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ता है, वो तो मुझे पता है, वो तो शुरू से ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि परमिशन तब तक इफेक्टिव। वर्जन वर्जन आप स्लैश सिस में चेक कर सकते हो, कैट /sys/os रिलीज करके यहाँ पे फाइल होती है। अच्छा, इसमें नहीं हुआ, रूट यूजर से चेक करते हैं, कैट /sys/, हाँ
फर्मवेयर ओएस रिलीज, इसमें भी नहीं है क्या? हाँ तो सही, चलो चेक करते हैं एक बार। फाइन फाइन टाइप एम फाइन यूएसआर लिप ओएस रिलीज, ठीक है। तो इसमें चेक करोगे कैट स्लैश यूएसआर स्लैश लिप स्लैश ओएस रिलीज, तो यहाँ पे आपको बता देगा वर्जन 9.0। बता रहा आईडी लाइन कहाँ पे? आईडी लाइन इसमें तो रखना है। ये जो आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट, ओरेकल, फेडोरा, सेंटोस, एज इट इज सिमिलर है। इनमें सिर्फ लोगों का ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है? ये सिमिलर है। अगर इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं किसने किसकी कॉपी की है, समझ में नहीं आएगा। सिर्फ लोगो ही चेंज है और कुछ चेंज ही नहीं। फाइल है ही स्लैश यूएसआर लिब ओएस रिलीज, कमांड ये फाइंड करने के काम में आती है। अगर आपको सिस्टम में कहीं भी कुछ भी फाइंड करना है तो आप उसको फाइंड कर सकते हो। जैसे जब आप मैंने लिखा फाइंड, कहाँ पे फाइंड करना है? स्लैश में, ठीक है। अगर फाइल फाइंड करनी है तो एफ लिख दो हाइफन टाइप करके, अगर डायरेक्टरी फाइंड करनी है तो डी लिख दो, ठीक है। देन पहले मैंने लिखा था हाइफन नेम, अगर आप देखोगे पहले मैंने लिखा था हाइफन नेम, देन मैंने लिखा ओएस रिलीज, ठीक है। तो हाइफन नेम से तो क्या हुआ, सिर्फ ये केस सेंसिटिव को ही सर्च करेगा, यानी अगर मैंने स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल ही सर्च करेगा। फिर मैंने इग्नोर करने के लिए केस को इग्नोर कर दिया, हाइफन आई नेम कर दिया, तो ये क्या करेगा, केस को इग्नोर करेगा। और उसके बाद देखो इसने मुझे बता दिया कहाँ पे, ठीक है। गुड आउट, ओके। तो यहां तक एक चीज समझ में आई। अब मान के चलो अगर आपके पास एक डायरेक्टरी पे एसीएल लगी हुई है और उसको आपको लगाना है, अच्छा उससे पहले डिफॉल्ट एसीएल समझ लो, ठीक है। डिफॉल्ट एसीएल क्या होती है, मान के चलो अगर आप कोई डायरेक्टरी पे एसीएल लगाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर बनने वाली सभी फाइल्स और डायरेक्टरीज पे सेम एसीएल लग जाए, ठीक है, कि आपने एक बाहर एक परमिशन लगा दी, अब आपको टेंशन नहीं है कि अंदर कितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज बने, वो सेम एसीएल उन सब पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो एसीएल लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट एसीएल बोलेंगे। और उसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखो अगर मुझे मान के चलो एल एस हाइफन एल डी स्लैश डेटा इस पे लगी हुई है, तो एक बार इसको हटा देते हैं, सेटअप एसीएल, या इस पे जो परमिशन लगी हुई है एक बार उसको देख लो, तो गेटअप एसीएल स्लैश डेटा एसीएल लगी हुई है, ओके। अब मैं इसके अंदर एक डायरेक्टरी बना के चेक करता हूँ कि क्या उस डायरेक्टरी पे भी वो ये एसीएल लग रही है, ठीक है। तो सीडी स्लैश डेटा एलएस करते हैं, या फिर सिंपल एलएल करता हूँ, देखो सब के आगे क्या आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है, किसी पे भी सेम एसीएल नहीं लग रही। और अगर एमकेडीआर और मान के चलो यहाँ पे एबी नाम का एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ और अगेन चेक करता हूँ, देखो क्या इस पे वो एसीएल लगी है, नहीं लगी, क्यों, क्योंकि फुल स्टॉप आ रहा है कि नहीं। तो ये एसीएल जो हम नॉर्मल एसीएल लगाते हैं, ये किसी भी डायरेक्टरी के अंदर बनने वाली फाइल्स और डायरेक्टरीज पे नहीं लगती है, ठीक है। अब कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको लगानी वैसी है कि भाई हर जरूरी थोड़ी आप जितनी बार फाइल्स और डायरेक्टरीज बनाओगे उतनी बार सब पे एसीएल लगाओगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक डिफॉल्ट एसीएल लगा के छोड़ देते हो और वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होती जाती है, ठीक है। तो यानी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप सिंपली डिफॉल्ट एसीएल में चेंजेस करेंगे, बाकी कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर इस पे वो एसीएल लगानी है तो देखो, ओके वेरी गुड, विजिबल है, ठीक है। तो देखो सी एल एस हाइफन एल डी स्लैश डेटा एसीएल लगी हुई, सारी एसीएल में हटा देता हूँ, ठीक है। सेटअप एसीएल हाइफन बी
और स्लैश डेटा, चेक करते हैं एचसीएल नहीं है। ओके अब देखो डिफॉल्ट एचसीएल अगर आपको लगानी है तो सेटअप एचसीएल, या फिर सिंपली मैं आपको जो कमांड बताता हूँ सेटअप एचसीएल, हमने लिखा था हाइफन एम यूजर के लिए लगानी थी, ठीक है, और कौन से यूजर के लिए लगानी थी, पीयूष के लिए लगानी थी और परमिशन नहीं देनी, ठीक है, और कहाँ पे लगानी थी, स्लैश डेट। नॉर्मली हम ये लगा रहे थे, जस्ट डिफॉल्ट एचसीएल लगाने के लिए आपको सिंपली एक डी और लिखना है, बस ये डिफॉल्ट एचसीएल होगी। एंटर किया तो इस बार अगर आप चेक करते हो इसमें गेटअप एचसीएल स्लैश डेटा, तो जहां पे देखो यूजर के लिए सेपरेट आ रही थी, ग्रुप के लिए सेपरेट आ रही थी, डिफॉल्ट आ रही है, ठीक है। और अब अगर हम चेक करते हैं तो देखो जैसे सीडी डेटा, और अगर एलएल करेंगे अभी तो ये ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं ये करता हूं तो देखो हमने जो नई डायरेक्टरी बनाई है क्या उस पर सेम एसीएल लगी है कि नहीं, लगी हुई है, यहां तक क्लियर हो? मतलब चाहे कुछ भी फाइल्स और डायरेक्टरीज बनाओ आप, जैसे मैं नॉर्मली फाइल भी बनाता हूँ टच पायलट, फिर से चेक करो सब पे लगेगी, चाहे फाइल बनाओ, इवन अगर आप इस डायरेक्टरी के अंदर भी, ये जो हमने डायरेक्टरी बनाई है इसके अंदर भी कुछ भी बनाओगे तो उस पर भी लगेगी, ठीक है। यानी अब ये डिफॉल्ट सेट हो गया कि अब कुछ भी बने अंदर, चाहे फाइल बने, चाहे डायरेक्टरी बने, चाहे डायरेक्टरी के अंदर फाइल बने, चाहे डायरेक्टरी, सब पे एसीएल लगेगी, ठीक है, तो हमें बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये क्लियर हुआ? ओके अगेन सेटअप एसीएल हाइफन बी एंड स्लैश डेटा, और इसके अंदर से फाइल्स भी हटा देते हैं, कुछ भी नहीं है, स्लैश बीसी वाला डिफॉल्ट सेटिंग हट जाती है, मतलब सब हट जाती है, कंप्लीट एसीएल हट जाती है। अगर देखोगे एलएस हाइफन एलडी स्लैश डेटा, ठीक है, कंप्लीट एसीएल आपके हाइफन बी से हट जाती है। अब देखो मान के चलो आपने किसी एक डायरेक्टरी पे एसीएल लगाई हुई और सेम एसीएल परमिशन आपको लगानी है किसी दूसरी डायरेक्टरी, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। जैसे एक तो हमारे पास डेटा डायरेक्टरी होगी और एक क्या कोई और डायरेक्टरी अवेलेबल है, नहीं है, ठीक है, नई डायरेक्टरी बना लेते हैं mkdir ab, ठीक है, ls करते हैं तो ab डायरेक्टरी हमारी आ गई यहाँ पे, ठीक है। आप देखो सिंपल मैं एक acl सेट कर रहा हूँ, सेटअप acl या सिंपल अपर एरो की यूज कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें से मैं डी हटा देता हूँ डिफॉल्ट एसीएल का, ठीक है, एंटर किया तो ये एसीएल हमारी लग गई डेटा पे, एलएस हाइफन एलडी स्लैश डेटा, ये हमें वेरीफाई हो गया। अगर चेक करेंगे गेटअप एसीएल स्लैश डेटा, तो यहाँ यहाँ पे पीयूष के लिए एसीएल लगी हुई है। अब सेम एसीएल जैसे मान के चलो अब हमने तो एक लगाई है, लेकिन मान के चलो कंपनी में आपने एक लिस्ट लंबी बनाई हुई है, ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि मैं सेम परमिशन दोबारा दूसरी डायरेक्टरी पे लगाऊं, इससे बढ़िया क्या पता ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि परमिशन सी कॉपी हो जाए, फाइल डायरेक्टरी जैसे कॉपी होती है वैसे परमिशन कॉपी हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले गेटअप एचसीएल हाइफन हाइफन एक्सेस, ठीक है, और कौन सी डायरेक्टरी पे से उठानी है परमिशन अपने को, एक डेटा से, यानी कौन सी डायरेक्टरी को एक्सेस करेंगे हम, डेटा को, तो हम यहाँ से उसको एक्सेस कर रहे हैं, देन यूज करेंगे पाइप कमांड, पहली कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड के इनपुट में, ठीक है, सेटअप एसीएल हाइफन कैपिटल एम, ऑर्डिनरी हम क्या करते हैं स्मॉल एम यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे कैपिटल एम, और कौन सी डायरेक्टरी पे लगानी है स्लैश एबी, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, चलो चेक करते हैं एलएस हाइफन एलडी, सॉरी एलएस हाइफन, ओके सर ने बंद कर दिया, गुड भी बंद हो गया।
बिल्कुल नहीं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू है, तो लैपटॉप वो में तो इस चल रहा है। लैपटॉप में हो तो रही है ना, इसलिए चालू है। कोई बात विंडोज किस मैच में? लगी इससे चला दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे चला गया आपके सिस्टम में। दस मिनट और रुक जाते तो अपना काम हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे यूजर कितने हैं हमारे पास? ओके, यूजर्स अवेलेबल हैं, विजिबल है। ठीक, तो सीडी स्लैश एलएस करते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर से दो डायरेक्टरीज बनानी पड़ेंगी, एमकेडीआर स्लैश डेटा और एमकेडीआर स्लैश एबी। ठीक है, देन हमने एसीएल लगाई थी, सेटअप एसीएल हाइफन एम यूजर के लिए लगाई थी, पीयूष के लिए। ठीक है, और क्या लगाई थी? कोई परमिशन नहीं देनी है स्लैश डेटा। क्लियर? अब देखो क्या करना है आपको, इस परमिशन को कॉपी करना है कहाँ पे? एबी पे। तो अभी अगर हम चेक करेंगे एलएस हाइफन एलडी स्लैश एबी, तो देखो यहाँ पे डॉट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डॉट आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अभी एसीएल नहीं है। और अगर एल एस हाइफन एल डी स्लैश डेटा, तो यहाँ पे एसीएल लगी हुई है। तो डेटा से हमें एसीएल उठानी है और लगानी है कहाँ पे? एबी पे। तो देखो गेटअप एसीएल देन हाइफन हाइफन एक्सेस, और कहाँ से परमिशन लेनी है हमें? स्लैश डेटा से। ठीक है, देन पाइप, और इस परमिशन को लगाना है कहाँ पे? हाइफन कैपिटल एम, और कहाँ पे लगाना है? फ्लैश एबी पे। चलो चेक करते हैं। तो एल एस हाइफन एल डी, पहले तो स्लैश डेटा को चेक करो, प्लस आ रहा है। एल एस हाइफन एल डी स्लैश एबी को चेक करो। नहीं, वार्निंग आई, उससे कोई इशू नहीं है। ये कैसे हुआ? इज अ डायरेक्टरी इन लाइन। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो परमिशन है नहीं, ये डायरेक्टरी के लिए ही तो है। चलो चेक करते हैं एक बार, सेटअप एसीएल हाइफन हाइफन हेल्प, या फिर मैनुअल चेक करते हैं, मैन सेटअप एसीएल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगी ये परमिशंस बिल्कुल एंड में। सही तो है, हमारी कमांड तो सही है। ठीक हाँ, डी डिफॉल्ट के लिए हमें डिफॉल्ट लगानी नहीं है, तो हमने डी यूज ही नहीं किया ना। ओके ओके, हाँ वेरी गुड, एम के आगे भी हाइफन है, थोड़ा सा वो मिस कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइफन और आया, एंटर किया। तो अब अगर चेक करेंगे एल एस हाइफन एल डी स्लैश ए बी, तो देखो परमिशन आ गई। ठीक है, गेटअप ए सी एल और स्लैश डेटा, डेटा पे आ रही है। और अगर स्लैश ए बी पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आ रहा है, जो ए सी एल हमने वहां लगाई थी सेम ए सी एल हमने यहाँ पे लगाई है। अगर इसी ए सी एल को अगर आपको एज अ डिफॉल्ट ए सी एल लगाना होता, तो आप यहाँ पे हाइफन डी और यूज कर लेते। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ओके, ऐसे ही फाइल टू फाइल भी हम कॉपी कर सकते हैं, फाइल टू फाइल भी एसीएल को कॉपी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल टच फाइल वन। ठीक है, हाँ बस 5 मिनट और, टच फाइल टू, दो फाइल्स है हमारे पास। चलो एल एस हाइफन एल फाइल वन, नो एसीएल। और अगर फाइल टू चेक करें तो यहाँ भी किसी भी तरीके की कोई एसीएल नहीं है। सबसे पहले
एसीएल लगाते हैं, सेटअप एसीएल हाइफन एम यूजर पीयूष, नो परमिशन, कहाँ पे? फाइल वन पे, ठीक है। और एक ग्रुप पे लगा देते हैं, और ग्रुप कौन सा? जयपुर नाम का तो यहाँ थोड़ी होगा, राजकुमार नाम का होगा। एसीएल लग गई, ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो देखो एल एस हाइफन एल फाइल वन आ रही है, और अगर चेक करेंगे गेटअप एसीएल फाइल वन, तो देखो यूजर एंड ग्रुप दोनों के लिए। अब हमें क्या करना है, इस एसीएल को कॉपी करना है कहाँ पे? फाइल टू पे। तो एल एस हाइफन एल फाइल टू करेंगे तो फुल स्टॉप आ रहा है, मतलब एसीएल नहीं है, ठीक है। तो देखो सिंपल, पहले तो चेक करते हैं इसका जो आउटपुट आएगा उसको लगाएंगे कहाँ पे? पाइप। अब यहाँ पे आपको लिखना है हाइफन हाइफन सेट हाइफन फाइल इक्वल्स टू हाइफन, ये लिखना हाँ फाइल के लिए, ठीक है। देन उसके बाद फाइल टू एंटर किया, वेरी गुड। नहीं स्पेस नहीं है, देखते हैं फिर से, शायद कुछ मिस कर दिया। सही तो था, कुछ गड़बड़ किया गया। रह गया ना, बताओ क्या रहा? सेट फाइल, अरे पागलो सेटअप एसीएल ही तो रह गया। जो काम की चीज थी वो तो रह गई, ठीक है। तो देखो एल एस आई पन एल देन फाइल टू आ गई है, सिर्फ सेटअप एसीएल फाइल टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम ACL परमिशन का यूज कर रहे हैं, परमिशन को भी कॉपी कर सकते हैं, देन पर्टिकुलर यूजर के लिए परमिशन लगा सकते हैं, ग्रुप के लिए भी परमिशन हम लगा सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ACL का टॉपिक भी खत्म हो गया, ठीक है। आज तो बड़ी दिक्कतें आई ना।